अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। व्यूअर आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीक़ेकार बताऊंगा जिससे दोस्तों आप किसी भी नंबर के मुकम्मल डिटेल मुकम्मल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका घर का मुकम्मल पता और उसके नाम पे दोस्तों जितने भी दूसरे नंबर रजिस्टर हैं यू फोन के, टेलीनार के, जोन के, किसी भी नेटवर्क है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि तीन नंबर चल रहे हैं, कौन कौन से वो नंबर हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर शो होंगे। तो ये तरीका दोस्तों आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है, अगर आपको कोई बंदा तंग करता है या आप कि कोई दोस्त को आप किसी को कॉल करते हैं वो एक नंबर आपकी कॉल नहीं उठा रहा तो आप इस तरीके से उसका दूसरे नंबर निकाल के उन पे कॉल ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही आपके काम आएगी, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ये शॉर्ट सी वीडियो है, आपको ये तरीका दोस्तों जाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी, आपने यहाँ पे सबसे पहले जो है वो प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है पाकिस्तान ई सर्विस। जैसे ही लिखेंगे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएंगे। ठीक है जी, आपने जो दूसरे नंबर पर हमारे पास एप्लीकेशन है जिस पर ये झंडा बना हुआ है आपने इस एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। ठीक है जी, जैसे ही दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे तो इसका सिंपल सा आपने इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करनी। मैं दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे इस तरीके से इसका लेआउट आपके सामने आ जाएगा। ये देखेंगे हमारे पास ओपन हो चुकी है। हम आपको आज बताएंगे कि सिम डाटा बेस इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है, देखते हैं कि कोई डिटेल हमारे पास आती है नहीं आती, तो मैंने तलाश करेंगे बटन पर क्लिक किया। ठीक है जी, आप किसी भी नेटवर्क का यहाँ पे नंबर टाइप करें, टेलीनार, जोंग, यूफोन, किसी भी नेटवर्क का आप आईडी कार्ड नंबर भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और ये देखें जी हमारे पास एक एरर आ गई, मैं दोबारा से यहाँ पे नंबर टाइप कर लेता हूँ। ठीक है जी, अगर आपका ये वर्क ना करे तो दोबारा से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मार्ट की तरफ से हम आपके लिए एक और यूनिक प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये हमारे पास जो है वुडन इस ऐड का मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और मैं यहाँ पे वो नंबर टाइप कर, अब मैं कोई और यहाँ पे नंबर टाइप कर लेता हूँ। देखें जी, मैंने यहाँ पे एक और नंबर टाइप कर लिया। नंबर टाइप करने के बाद देखें जी यहाँ पे थोड़ा सा आपने वेट कर लेना, ये लोडिंग हो रही है। अब देखें जी इस नंबर को मैंने यहाँ पे एंटर किया और इसका जो है वो मुकम्मल यहाँ पे पता आ चुका है, यहाँ पे इसका नाम है। ठीक है जी, उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर है, इसका मुकम्मल एड्रेस है। अब आपने क्या करना है कि जो इसका यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर है ना उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना। ठीक है जी, इस आईडी कार्ड नंबर को आपने यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जिस जगह पे आपने जो है वो नंबर लिखा था मोबाइल नंबर उसी जगह पे आपने ला के इसको जो है वो पेस्ट कर देना। ठीक है जी, लिख देना। ठीक है जी, अब आपने फिर तलाश करने के बटन पर क्लिक करना। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी इसकी। अब आईडी कार्ड नंबर से आप ये जान सकते हैं कि इसके नाम पे और कितने नंबर्स हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखें जी ये एक जैज़ का नंबर है, फिर इसके बाद ये एक जैज़ का है, फिर इसके नाम पे एक टेलीनार का नंबर है, फिर ये जोंग है। इस तरीके से इसके जो दूसरे नंबर हैं वो हमारे पास है यहाँ पे आ चुके हैं। इस तरह से पहले मोबाइल नंबर एंटर करें, फिर उसका जो है वो वहाँ से शनाख्ती कार्ड नंबर कॉपी करें, शनाख्ती कार्ड नंबर फिर आपने लिखना है, फिर दोबारा से आप जो है वो तलाश करेंगे बटन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने उसके जो जितने भी दोस्तों नंबर्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, ये मैंने हाइड इसलिए किए हुए कि ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। आप किसी का भी नंबर दोस्तों इस तरीके से ट्राई करके उसके मुकम्मल जो है वो डिटेल निकाल सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मज़ीद दोस्तों अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन को लाजमी से दबाना ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।